नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी रियल किचन में फिर से आपका स्वागत करती हूं। आइए दोस्तों, आज हम बताएंगे ब्रेड रोल कैसे बनाए जाते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं ब्रेड रोल में हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। ब्रेड, उबले हुए आलू, एक कटोरी रिफाइंड, कटे हुई दो मिर्च, पिसी हुई अदरक, पिसा हुआ लहसुन, स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच गरम मसाला, कटा हुआ हरा धनिया, आधी चम्मच हल्दी। सबसे पहले हम आलूओं का पेस्ट बना लेते हैं। इन्हें फ्राई करने के लिए बर्तन में तेल डालते हैं, इसमें लहसुन डाल देते हैं, फिर इसमें अदरक डाल देते हैं, फिर इसमें मिर्च डाल देते हैं। अब हम इसके अंदर आलू का पेस्ट डाल देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा धनिया डाल देते हैं, स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, आधी चम्मच इसमें गरम मसाला डाल देते हैं। अब हम अपने पेस्ट को ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देते हैं। हमने अपने सारे ब्रेडों के कॉर्नर उतार दिए हैं। अब हम थोड़ा सा इसे पानी में भिगोए, इसे ज़्यादा मत भिगोना, क्योंकि ज़्यादा अगर भिगोगे तो ये ब्रेड टूट जाएगा, और इसे अच्छे से इसका पानी निकाल लेंगे। हमने इसका पानी निकाल दिया है। अपना आलू का बनाया हुआ पेस्ट रखेंगे। अब इसे अच्छे से रोल करके रख देंगे। देखिएगा, हमारा रोल तैयार हो चुका है। देखिएगा, हमने अपने रोल तैयार कर लिए हैं। अब हम इस रोल को भी रख देते हैं। एक एक करके ऐसे ही हमने सारे ब्रेड रोलों को इसके अंदर डालना है और इसे अच्छे से पकाना है। हमारा ब्रेड रोल अच्छे से सिक चुके हैं। देखिएगा, हमारे ब्रेड रोल तैयार हैं। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। आप इसे हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। आपको ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छे लगेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।